वक्रतुंडी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे और जो हमारी कथाएं सुन रहे हैं उनको पता है कि चौथा कांड किष्किंधा कांड हमारा चल रहा है और लगभग आज शायद समाप्त की ओर ही जा रहा है। तो इस तरह से हम कथा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जिन्होंने पिछली कथा सुनी है चैनल पर जाकर सुन सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक देंगे पिछली वीडियो का, वहाँ पर भी सुन सकते हैं। तो पिछली कथा में बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ जिसमें बाली की मृत्यु हो चुकी है और बाली ने श्री राम से प्रश्न किया कि हे मेरे राम, आपने बाली आपने मुझे क्यों मारा, आपने सुग्रीव से दोस्ती की, मैं भी तो आपका दास था। तो भगवान श्री राम ने उनको बताया कि आपने अपने छोटे भाई की पत्नी के ऊपर बुरी नज़र रखी, तो ये आपका बहुत बड़ा अपराध था। तो इस तरह से उन्होंने संसार में भी कुछ अच्छा बताया है, तो यदि हम उस पर चलेंगे अमल करेंगे। इसके अलावा उसकी मृत्यु के बाद सुग्रीव को राज्य मिल चुका है और युवराज पद मिल चुका है। अंगद जी को लक्ष्मण जी देकर आए हैं और अब आगे क्या हुआ, राजपाट लेने के बाद सुग्रीव जी ने राम जी की मदद कैसे की, वो सब देखने के लिए चलते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए कथा की ओर। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विपर समाज, राज दीन सग्रीव कह अंगद कह जब राज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही, सुरन मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी को ही नहीं, देवता मनुष्य और मुनि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहु व्रण चिंता चर छाती, सोए सुग्रीव कीन कपि राऊं, अति कृपाल रघुवीर सुभाऊं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, उसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। राम जी का स्वभाव अत्यंत कृपालु है। जानता हूँ अस प्रभु परिहंकर ही, काहे न विपत्ति जार नर पर ही, सुन सुग्रीव लेन बोलाए बहु प्रकार नर पर सिखाई। जो लोग जानते हो भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वह क्यों ना पत्ती के जाल में फंसे। फिर राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो, सुग्रीव हरीसा पूर्णा जाऊं दस चार बारिशा, गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रहियो निकट सैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा कि वानर पति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव में नहीं जाऊंगा, ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अंत में यहाँ पास ही पर्वत टिक रहूंगा। अंगद सहित करो तुम राजू, संतत हृदय धरो मम काजू, जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर्षण गिरि पर छाए। तब अंगद जी अंगद सहित राज्य करो तुम, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तुरंत तब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब राम जी ने प्रवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथमी देवन गिरि गुहा राखे और रुचिर बनाई, राम कृपा निधि कछु दिन बास करी आई। देवताओं ने पहले से इस पर्वत को गुफा का सुंदर बना रखा था, उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान रघुनाथ जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसमे तति शोभा, गूंजत पादुपन कर मधुलोभा, कंदे मूल पल पत्र सहाये भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत शोभित है, मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद मूल फल पत्तों की बहुतात हो गई। देखे मनोहार शैल अनुपा, रहित है अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खंग मृग तन धर देवा, खरी सिद्ध मुनि प्रभु की सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध मुनि भोरों पक्षों पशुओं के शरीर धारण करके
प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते कीन निवास रमापति जब ते फटिक सिलाती सुबर सुहाई सुख आसीन तहां दो भाई। जब से रमापति राम जी वहां निवास किया तब से मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर सप्तिक मणि की अत्यंत उज्ज्वल शिला है उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान है। कहत अनुज सन कथा अनेका भक्त विरत नृप निति विवेका वर्षा काल मेघ नब छाए गरजत लागते परम सहाय। राम जी छोटे भाई लखन से भक्ति विराग राय नीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छा हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देख मोर गण नाचत बारद पेख ग्रही विरत रत हर्ष जस विष्णु भगत कहूं देख। राम जी कहने लगे लखन देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं जैसे वैराग्य रोक्त ग्रस्त किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नव गर्जित घोरा प्रिय हीन डर पत मन मोरा दामनी दमक रहन घन माही खल के प्रीत जिथा थिर नाही। आकाश में बादल घूमड़ घूमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं जैसे दुष्ट के प्रति स्थिर नहीं रहती। वर्ष ही जड़द भूमि निराए जथा नवे बुद्ध विद्या पाए बूंद आघात सहे गर कैसे खल के बचने संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नमर हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छुदर नदी भरी चली तराई जिस थोर्यो जन खल इतराई भूमि परत भाडा बर पानी जनो जीवी माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर तुड़ाती हुई चली जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं और पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। सिमट सिमट जल भरी तलावा जिमी सदगुण सज्जन पही आवा सरिता जल जल निधि मऊ जाई होए अचल जिमी जिम हरिपाई। एक एकत्र होकर तालाबों में भरा रहा है जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पाकर आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल समझ परी नहीं पंथ जिमी पाखंड बाधते गुप्त होई सद ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते जैसे पखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धूनी चहूं दिशा सुहाई वेद पढ़े जनु बड़ समुदाय नव पल्लव भय विटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हैं। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं जिससे वैसे हरे भरे सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क ज्वास पात विनु भेयु जस सुराज खले उदम गए खोजत कत हो मिले नहीं दूरी करी क्रोध जिमी धर में दूरी। मधार और ज्वासा बिना पत्ते के हो गए जैसे श्रेष्ठ राज्यों में दुष्टों के उद्यम जाता रहा धूल की कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ससी संपन्न सोए मही कैसी उपकारी के संपत जैसी ससितम धन खदोत विराजा जनु दम्भन करी मिला समाजा। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनु शोभा पा रही है मानो दंभियों का समाजा छुटा हो। महावृष्ट चली फूट की आरी चिमी सुतंत्र भाई विग्री नारी कृषि निर्वाह चतुर किसाना जिमी बुद्ध तजी मोहि मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं और उनमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं अर्थात की वर्षा ऋतु आ चुकी है चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो चुकी है। देखित चक्र बाघ खग नाही के लिए पाई जिमी धर्म पर आही उशर वर्ष तरण नहीं जामा
चिम हरिजन ही उपजाना कामा, चक्र बाक्ष पक्षी दिखाई नहीं दे रहे। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है, उस से वर्षा होती है पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरिभक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। वेद जंतु संकल मई राजा, प्रजा बाण जिमि पाए सुराजा। जैते रहे पथिक थक नाना, जिमि इंद्र गण उपजे ग्रामा। ज्ञाना पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभिमान है। जैसे सुरराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, तहां अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान होने पर इंद्रियां होकर विषयों की ओर आना जाना छोड़ देती हैं। कभू प्रबल भय मारुत जैते मेघ बिलाही, जी में कपुत के उपजे कुल्स धर्मन साही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिसमें बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। जिसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कब हूँ दिवस मैं निबड़ी, तब कब हूँ प्रगट पतंग। बेसे उपजे ज्ञान जमी, पाए कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, संग पाकर उत्पन्न हो जाता है। मतलब मौसम होता है ना, कभी बादल कभी सूरज कभी छाए, तो ऐसा मौसम हो चुका है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा की ऋतु निकल चुकी है और शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देखो परम सुहाई, हे लखन देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले कांस सकल में छाई, जनो वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्त पंत जल सोषा, जी मलो बिसोषे संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तौर ने उदय होकर मरक के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोक के सोख लेता है। नदियों और तालाबों को निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सुख सरित रस हर पानी, ममता त्याग करे जिन ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आई, पाई समय जिमि सुकृत सुहाय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख गया, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन भक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं। पंक नरेन सो यस धरणी, नीत निपुण नृप कैज सकरणी। जल संकोच विकल भे मीना, अबुद कुटुंब जीम धनीना। ना कीचड़ है ना धूल, इसे धरती शोभा दे रही है। जैसे नीति निपुण राजा की करनी, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहर सब आसा। कहूँ कहूँ भ्रष्टि सारदी थोरी, कहूँ एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश शोभित हो रहा है, जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। चले हर्षिता जी नगर नृप, तापस बनिक भिखार। जिमि हरि भक्त पाए श्रम, ताजी आश्रमी चार। राजा तपस्वी व्यापारी भिखारी, कर्मश विजय तप व्यापार और भिक्षों के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले। जैसे श्री हरि भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जे नीर अघाधा, जिमि हरि शरण नाए क्यों बाधा। फूले कमल सो सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां था जल में है वे सुखी है, जैसे श्री हरि की शरण में चले आने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूल ने तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गूंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्र बाक मन दुख निस देखी, जिमि दुर्जन पर संपित देखी। भोय अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरों की संपत्ति देखकर दुष्टों को होता है। चातक रटत तृषा अति होई, जिमि सुख लेही न संकर द्रोही। सर्द ताप निसी ससी अपहरही,
संत दरस जिमि पातक टरही, पपीहा रट लगाए हैं उसकी बड़ी प्यास है, जैसे शंकर जी द्रोही सुख नहीं पाता, और शरद ऋतु ताप को रात को समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देख इंदु चकोर समुदाय, चितवे जिमि हरि जन हरि पाई। मसक दंस बीते ही मद्रासा, जिमे दिज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए, जैसे ब्राह्मण के साथ वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिमि सन से भ्रम समुदाय। तो आज की कथा को हम इसी दोहे पर विराम देंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी कथा अच्छी लग रही होगी, और बहुत जल्द हम इस कांड को भी विराम देते हुए आगे चलेंगे पंचम सोपान सुंदरकांड की ओर। तो उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। तो आज की कथा में हमने देखा कि जब शिवदेव जी ने अपना राज्यपाट पा लिया है, और उसके बाद शरद ऋतु आई है, वर्षा ऋतु आई है, और किस प्रकार उसका बखान किया गया है तुलसीदास जी की ओर से। तो यदि आपको हमारी कथा अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर करें। धन्यवाद।